सुनो ध्यान से, क्योंकि परमेश्वर ने जैसे नियोमी के पति अली मलिक ने क्या किया, क्योंकि वहां पे तो उस बैतलम में, उस नगर में, यहूदा में वो बड़े ब्लेस्ड थे। उसके नाम का मतलब है सुखद, सुखी, हाँ, सर्वपरि, हरी भरी, ब्लेस्ड। इतनी वो ब्लेस्ड औरत थी, उसे कोई कमी नहीं, कोई समझ आ रही है। पर हुआ क्या, अब अकाल पड़ा तो अपनी बुद्धि से बिना पूछे परमेश्वर से कहां पे चले गए, मोआब। बोलो क्या है, मोआब, जो परमेश्वर की नजर में, बोलो क्या है, परमेश्वर उस बात से वो खुश नहीं था। बोलो क्या है, वहां पे परमेश्वर का अनुग्रह नहीं था, फिर जहां था, बोलो क्या था, जहां था उसका अनुग्रह, वहां पे उन्होंने बिना परमेश्वर के पूछे अपनी समझ लगाई, अपनी बुद्धि लगाई और चले गए, और खुदावंद के अनुग्रह को खोया। जब अनुग्रह ना हो तो फिर इंसान मुसीबतों को देखता है। बोलो क्या है, फिर वो मुसीबतों को देखता, मुसीबतों को, वही मुसीबत उन्होंने झेली। बोलो क्या झेली, फिर वही मुसीबत उन्होंने झेली, परमेश्वर से नहीं पूछा। जैसे अगर हम इसहाक की स्टोरी पढ़ते हैं, बोलो क्या पढ़ते हैं, तो इसहाक को तो परमेश्वर ने कहा तुम कहां पे जा, कहां पे चले जा, गरार में, क्योंकि गरार भी उसी देश का एक नगर था। बोलो क्या था, जो ब्लेस्ड, ब्लेस्ड खुदा की ओर से वो ब्लेस्ड था। और जब वहां पे अकाल पड़ा तो परमेश्वर ने उसे कहा कि तुम कौन से एरिया में जाना, गरार में जाओ। वहां पे परमेश्वर ने इतना, इसहाक ने जब जोता बोया लिखा, इतनी आशीष दी। बोलो क्या है, उसी वर्ष लिखा 100 गुना फल पाया और यहोवा ने उसको आशीष दी, इतनी आशीष दी, क्योंकि वो सब कुछ किसके कहने के अनुसार कर रहा था। बोलो क्या है, वो किसके कहने के अनुसार कर रहा। पर नियोमी और उसके पति ने अपनी बुद्धि से परमेश्वर से बिना पूछे वहां पे जाकर अपना सब कुछ गवा लिया। बोलो क्या कर लिया, अपना सब कुछ गवा लिया। आज भी देखो, अगर हम आज इस स्थान में बैठे तो ये परमेश्वर की मर्जी से हम यहां पे आए, आपको नहीं पता। अगर इस जगह पे ये संगति हो रही है तो ऐसे नहीं है कि मैंने अपनी बुद्धि लगाई, मैंने सोचा ये सड़क के पास है, ये ऐसे है, ये, हाँ, ये खुदावंद ने अपने आप ये इसका इंतजाम किया, इस जगह का इंतजाम परमेश्वर ने किया। क्योंकि हम तो कहीं और जगह हमने देख ली थी, और उन दिनों में भी हमारे पास पैसे नहीं थे, और मैं अपना घर सेल करके, बोलो क्या था, अपना घर सेल करके जगह लेने वाला था, क्योंकि उस समय हमारे पास पैसे नहीं, तो हमने सोचा चलो 2 कनाले जगह लेते हैं, दो कनाल। पर बाद में जिनसे वो हमारा सौदा तय हुआ था, जिनसे हमने लैंड, वो जमीन लेनी थी, वो कहते कि नहीं नहीं, हम 2 नहीं, हम 4 देंगे। तो तब वो ऐसे, वो जो सौदा था, वो बात थी, वो बीच में रह गई। फिर हमने फिर से परमेश्वर से प्रार्थना की, परमेश्वर तेरी क्या इच्छा है हमें बता। बोलो क्या है, हमने फिर इधर उधर ढूंढा, पूछा कईयों से, फिर परमेश्वर हमें यहां पे लेकर आए। मैं ये बात आपको क्यों समझा रहा हूं आज, क्योंकि अगर हम सब परमेश्वर की इच्छा में चलेंगे तो हम ब्लेस्ड होंगे, जैसे इसहाक को परमेश्वर ने क्या किया। बोलो क्या है, इसहाक को परमेश्वर ने ब्लेस्ड किया, और नियोमी ने अपनी बुद्धि से अपने पति की बात को मानकर मोआब में चले गए, यहां पे अकाल पड़ा है। बोलो क्या है, अपने सब कुछ खो दिया। बोलो क्या कर दिया, अपने सब कुछ खो दिया, पति खो लिया, दोनों बेटों को भी खो लिया। समझ आ रही मेरी बात, ध्यान से इस बात को आज समझना।
तो इसलिए अगर आज खुदावन्द हमें यहाँ पर लेकर आए, ये स्थान पर हम बैठे, जब से हम आए, ये नहीं है कि हम आज तक हम आगे को गए पीछे क्यों नहीं गए, जो कुछ भी यहाँ पे हमने मन में सोचा, जो भी आज तक हमने किया, परमेश्वर ने हमें ब्लेस किया, ऐसा नहीं कि नहीं किया। किसी भी चीज को लेकर हमें जो जरूरत है, साउंड की, मैट की, जिन जिन चीजों की जरूरत भी है, आज खुदा ने क्या किया। आपको पता है, मैं अगर ये जगह वाला बंदा अगर हमें ना बोलता, बोलो क्या है? अगर ये जगह वाला बंदा अगर हमें ना बोलता तो मैं यहाँ पे कम से कम जो फिल्टर पानी का मैं प्लांट लगवाने वाला था वो 50,000 का वो प्लांट था। कितने का? 50,000 के करीब था। और मैंने, आपको नहीं पता, मैंने एक दिन वीरवार की मीटिंग में उन बंदों को भी जिन्होंने ये प्लांट लगाना था, मैंने उन्हें बुलाया शाम को कि देखो यहाँ पे कहाँ पे लगना है, सेट होना। पर थोड़े दिनों के बाद ही ये ऐसा हो गया कि ये लैंड वाले, जमीन वालों ने कहा कि नहीं, हमारा सौदा हो गया है और हम ये जगह सेल करने वाले हैं। हाँ, तो आप अपना देख लो। क्या देख लो? आप अपना देख लो, क्योंकि यहाँ पे एक रूम बनाने वाले थे। और उससे पहले सुनो, उससे पहले उन्होंने कहा है कि हमें पैसों की जरूरत है, आप ऐसा करो हमें 10 लाख दे दो। बोलो क्या करो? 10 लाख दे दो। 10 लाख कितना दे दो? 10 लाख दे दो, 10 लाख। और ये हमें जरूरत है पैसों की, और जैसे बोलते गहने पे रख लो कुछ साल के लिए। तो वो 2 साल बोलते थे, तो मैंने कहा नहीं, 2 साल कम में, फिर 3, मैंने 4 कहा, पर 4 के बाद 3 और बाद भी उन्होंने कहा नहीं, अब हमारा हो गया है। उन्होंने कहा पैसों का इंतजाम है, ठीक है, जो हमने पहले दिए थे वो भी वापस उन्होंने दे दिए। क्या दे दिए? वो भी उन्होंने वापस दे दिए पैसे हमें। तो अब सुनो, ध्यान से इस बात को सुनो। अब अभी उन्होंने हमें कहा 1 महीना यहाँ पे। बोलो क्या है? सिर्फ 1 महीना यहाँ पे, 1 महीना हमारे। फिर हमने कहा नहीं, ये समय कम है, अभी 2 महीने तो दो, ये मई और आगे वाला जून, मई तो ये खत्म होने वाला है। बोलो क्या है? अब हमने बहुत जगह ढूंढ रही, अभी मिल नहीं रही। आपको पता, मैं जब 10 लाख देना था तो मैंने कहा मेरे पास 6 लाख है और कुछ घटता है। और कुछ लोगों ने ऐसे अपने हृदय को खोला, उन दिनों में 1-1.5 लाख हमारे पास हो गया था। तो जब ये बात मुझे सुनने में आई तो मैंने बंद कर दिया। फिर मैंने किसी को नहीं कहा कि हमने 10 लाख देना है इकट्ठा करके। बोलो क्या? दो। मैंने फिर बंद कर दिया बोलना। मैंने किसी को नहीं कहा कि तुम पैसे दो ताकि हम यहाँ पे और कुछ साल रुकें। पर जब ये बात हम 10 लाख देने वाले थे तो मैंने सबसे पहले परमेश्वर से प्रार्थना की, जो काम नियोमी ने नहीं किया। बोलो क्या किया? मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की कि परमेश्वर, अगर 10 लाख देना हमारे लिए अच्छा है यहाँ पे, उसको देना अच्छा है, तो वो ले, नहीं तो ना ले। क्योंकि आज तक मैंने जो कुछ भी मैं करता हूं, मैंने कभी भी कुछ भी अपनी बुद्धि और सोच से नहीं किया, कुछ भी नहीं। हमेशा मैं हर चीज के लिए खुदा के पास जाता हूं और परमेश्वर से पूछता हूं। बोले क्या? हमेशा मैं हर चीज के लिए परमेश्वर के पास जाता हूं। जैसे पिछले दिनों में आपकी ब्लेसिंग के लिए मैंने एक प्रोफेटिक दिया था, क्या परमेश्वर से प्रार्थना करो, परमेश्वर आपके मन में डालेगा। क्या डालेगा? परमेश्वर आपके मन में डालेगा। क्या करना है? आपके मन में वो डालेगा, आपको वो बताएगा, वो करना, आपके सारे रास्ते खुलेंगे। क्या खुलेंगे? आपके रास्ते, आपके सारे बंद रास्ते खुलेंगे। आमीन। क्या खुलेंगे? आपके आपके सारे बंद रास्ते खुलेंगे। आप जो आत्मा में, जो वचन क्यों समझता है, आत्मा की बात को समझता, वो तो करेगा। जो नहीं समझता, जो शरीर में, वो फिर वही शरीर की चीजों में बात, वो फिर उसी चीजों में ध्यान देगा।
जो खुदावंद ने उन्हें उसके छुटकारे के लिए ब्लेसिंग के लिए वचन दिया वो नहीं करेगा। समझ आ रही मेरी बात? आज इस विषय से मैं आपको क्यों समझा रहा हूं, मैं नहीं चाहता कि कोई चीज हम अपनी बुद्धि से करके हम अपना नुकसान कराएं, जैसे नियोमी ने कराया। क्या करा? मैं जानता हूं अगर प्रभु की मर्जी है तो वो रखेगा, क्योंकि हमसे ज्यादा बेहतर कौन जानता है? बताओ मुझे, कौन जानता है? कौन जानता हमसे अच्छा? किसे पता है मैं कहां पर रखकर इन्हें आशीष करूंगा? हमारे आने वाले फ्यूचर के समय के लिए कौन जानता है? आने वाले समय के लिए जो फ्यूचर का जो समा, हमारे आने वाला समा, हमसे अच्छा और बेहतर कौन जानता है? कौन जानता बोलो? उसे पता है। हो सकता कल, मुझे नहीं पता, अभी वो पास में रखे, दूर लेकर जाए, कहां पर लेकर जाए, पर जब परमेश्वर जैसे यहां पर लेकर आया, जहां पर भी लेकर वो जाएगा, मैं जानता हूं अगर वो बात परमेश्वर की ओर से होगी, जैसे इसहाक की बात परमेश्वर की ओर से हुई, लिखा जब उसने गरार में जाकर जोता बोया तो परमेश्वर ने उसे बड़ा ब्लेस किया। पर नियोमी ने अपना पति भी खो लिया, अपने दोनों बेटों भी खोले। क्या खोले? अपने पति को भी गवा लिया और अपने दोनों बेटे भी गवा ले। वो नियोमी जिसका नाम का अर्थ है सुखद, सुखों से भरी, हरी भरी, ब्लेस्ड, सर्वपरि, सबसे बढ़िया उत्तम वाला जीवन जीने वाली औरत, उसके नाम का अर्थ है। बोलो क्या है? शायद वो परमेश्वर से पूछते, बैठते, क्या करते हैं? वो परमेश्वर से बैठते और पूछते, परमेश्वर मुझे बताओ। बोलो क्या है? वो परमेश्वर से पूछते और कहते कि परमेश्वर हमारा जाना वहां पे अच्छा है कि नहीं, हाँ तेरी क्या मर्जी हमें बता हमारे परमेश्वर। पर परमेश्वर की मर्जी को नहीं पूछा। नीति वचन में लिखा ना, बोलो क्या है? हे मेरी पुत्र, मेरी तालीम को ना भूलना, मेरी शिक्षा को ना भूलना, ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी, तू अधिक कुशल से रहेगा, मेरा अनुग्रह मनुष्यों से और मेरे द्वारा भी होगा। अब खुदा का जो अनुग्रह उन पर था, जब अपनी बुद्धि से वहां पे चले गए तो खुदा का अनुग्रह उन पर से जाता रहा। इसीलिए नियोमी ने अपना पति और अपना, बोलो, अपने दोनों बेटे भी खोले। हो सकता अगर वो परमेश्वर के पास जाती, बोलो क्या करती? इसहाक ने ऐसा नहीं कि जब वहां पे उस देश में जब अकाल पड़ा तो इसहाक ने प्रार्थना नहीं की, क्योंकि इसहाक एक ऐसा व्यक्ति था, बोलो क्या है, जो रोज शाम को लिखा परमेश्वर का अध्ययन करता था, वो परमेश्वर के साथ बैठता था। कितनों को समझ आ रही? इसहाक एक ऐसा व्यक्ति था जो रोज शाम को बैठता और परमेश्वर के पास जाता था, अध्ययन करता था। जब अकाल पड़ा तो परमेश्वर का उसने अध्ययन नहीं किया होगा, उसने परमेश्वर से बात नहीं की होगी, उससे प्रार्थना नहीं की होगी, परमेश्वर मुझे बता अब मैं क्या करूं, यहां पे तो खाने को नहीं है। तो परमेश्वर ने कहा ठीक है, तुम गरार में जाओ, वहां पे तुझे मैं ब्लेस्ड करूंगा, तेरे पिता अब्राहम के कारण, क्योंकि मैंने तेरे पिता अब्राहम से क्या किया है, वादा किया है। क्योंकि हम भी सब किसकी संतान है? हम भी तो सारे अब्राहम के वंश के आशीष की संतान है कि नहीं है? क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम से यह वादा किया था। जब आप उत्पत्ति 12 पढ़ो तो, अगर आप उत्पत्ति 12 पढ़ो तो वहां पे 12 की एक में ऐसे लिखा है कि यहोवा ने अब्राहम से कहा, उस देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़, उस देश में चला जो मैं तुझे दिखाता हूं, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, जो तुझे कोसे उन्हें उसे मैं शाप दूंगा, भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला और लूत भी उसके संग चला, और जब अब्राहम हरान देश से निकला उस समय वह 75 वर्ष का था।
इस प्रकार अब्राहम अपनी पत्नी सारे और अपने भतीजे लूत को जो धन उन्होंने इकट्ठा किया था और जो प्राणी उन्होंने हारान में प्राप्त किए थे सबको लेकर कनान देश को जाने को चला और वे कनान देश में आ गए। उस देश के बीच से जाते हुए अब्राहम शकेम में जहां मोरे का एक बास वृक्ष था पहुंचा। उस समय उस देश में कनानी लोग रहते थे। तब यहोवा ने अब्राहम को दर्शन देकर कहा, ये देश मैं तेरे वंश को दूंगा। उसने वहां यहोवा के लिए जिसने उसे दर्शन दिया था एक वेदी बनाई। फिर वहां से आगे बढ़कर वह उस पहाड़ पर आया जो बतेल के पूर्व की ओर है और अपना तंबू स्थान में खड़ा किया जिसके पश्चिम की ओर तो बतेल और पूर्व की ओर ए है। वहां भी उसने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और यहोवा से प्रार्थना की और अब्राहम आगे बढ़कर दक्षिण देश की ओर चला गया। सुनो, बोलो क्या है? अब परमेश्वर ने इसहाक के पिता को कहा कि जिस देश में मैं तुझे कहता हूं अपने देश अपने कुटुंब अपने रिश्तेदारों को छोड़ दे और कहां पे चले जा? कनान में। कहां पे चले जा? बोलो, कनान देश में चला जा। वहां मैं तुझे क्या करूंगा? बहुत आशीष दूंगा। बोलो क्या करूंगा? जो तुझे आशीष देंगे और तू आशीष का मूल होगा, तू महान होगा। बोलो क्या होगा? और जो तुझे आशीष देगा मैं उन्हें आशीष दूंगा, जो तुझे को से मैं उसे शाप दूंगा। भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। क्या पाएंगे? परमेश्वर ने कहा अब्राहम से, भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा क्या पाएंगे? आशीष पाएंगे। देखा परमेश्वर ने उसे क्या किया? बढ़ाया। क्या किया? उसे बड़ा आशीष किया। क्या किया? कितनों को समझ आ रही है? अगर हम इसकी 10 की इसी की 12 की 10 से लेकर 20 पढ़े तो लिखा उस देश में फिर अकाल पड़ा और अब्राहम फिर मिस्र को चला गया। अब यहां पे अब्राहम ने अपनी बुद्धि लगाई। क्या लगाई? पर इसे अगर परमेश्वर ने जो वादा किया था अब्राहम से वो ना किया होता तो शायद, बोलो क्या है, शायद ये भी जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने उसके साथ की थी वो पूरी ना होती। पर परमेश्वर ने यहां पे उसने अपनी बुद्धि लगाई तो जरूर, बोलो क्या लगाई? बुद्धि तो जरूर लगाई, क्योंकि उसकी पत्नी सारे को मिस्र के राजा फिरौन ने अपनी पत्नी करके ले लिया। बोलो क्या है? अपनी पत्नी करके ले लिया। अगर परमेश्वर उसे ना बचाता तो शायद, बोलो क्या था, शायद फिर और गलत हो जाता। समझ आ रही मेरी बात? पर यह बात इसलिए हुई, बोलो क्या हुई, क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम से यह वादा किया था कि भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा क्या करेंगे? आशीष पाएंगे। क्या पाएंगे? आशीष पाएंगे। इसीलिए इसहाक भी जानता था इस बात को, इसहाक जानता था कि मेरे पिता को परमेश्वर ने कितना ब्लेस्ड किया है। बोलो क्या किया है? मेरे पिता को परमेश्वर ने किस रीति से ब्लेस्ड किया है? क्योंकि मेरा पिता अब्राहम किसकी विधियों और नियमों को, किसकी व्यवस्था को मानने वाला था? बोलो क्या है? किसकी विधियों और नियमों और व्यवस्था को मानने वाला था? अगर आज भी आप भी मानने वाले हो तो परमेश्वर क्या करेगा? आपको भी ब्लेस्ड करेगा। क्या करेगा? बोलो, नियोमी का नहीं, नियोमी के जैसे नहीं, जिसका नाम तो, बोलो क्या था, जिसका नाम का मतलब तो सुख था, सुखों से भरी सर्वपरि बहुत बढ़िया उत्तम जीवन ब्लेस्ड वाली। पर अपनी बुद्धि से उन्होंने खुदा के अनुग्रह को गवा लिया, क्योंकि उन्होंने उस नगर को, उस देश को छोड़ा, बैतलम को जो रोटी का घर था। क्या बोलो था? जो रोटी का घर था, रोटी का। क्योंकि जब भी इंसान अपनी बुद्धि से कुछ करता है तो वो फंसता है। बोलो क्या करता है?
जब भी कोई इंसान अपनी बुद्धि से करेगा वो फंसेगा। इसलिए कुछ भी करने से पहले उसको 10 बार सोचो, नहीं समझ आती तो मिलो, हाँ नहीं समझ आती तो मिलो। समझ आ रही है? कितने लोग इस भवन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर, कुछ लोग मुझे पता चला वो ये प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर यहाँ पे रहे, हमें कोई मेहनत ना करने पड़े, हम यहाँ से बस आ जाए, हमें कोई दिक्कत ना उठानी पड़े। हाँ देखो, अपनी बुद्धि लगाओगे तो हो सकता जो आशीष मिली है तुम फिर से क्या कर लो। जैसे उस लड़के ने अपने 7 साल, एक समा था हमारे साथ था, पर हमेशा हम यही प्रार्थना करते, परमेश्वर सही क्या, बोलो क्या है? सही क्या तू वो प्रकट कर। न्यास भी परमेश्वर से यही प्रार्थना कर, अगर वो सही नहीं था तो परमेश्वर ने बताया ये सही नहीं है, तुम इस तरफ चलो। परमेश्वर ने अब्राहम को कहा ये देश छोड़ दे, कहां पे चले जा, कहां पे तुझे आशीष दूंगा। हो सकता कोई शरीर में होंगे तो वो कहेंगे नहीं नहीं हम अब वो दूर चलेंगे, या जी ऐसा वैसा हमने वहां पे नहीं जाना, हम कैसे जाएं वहां पे, तो ऑटो नहीं जाता, कोई रिक्शा नहीं जाता, कोई बस नहीं जाती। हो सकता है कल, अब मुझे नहीं पता, मैं तो सिर्फ बता रहा हूं, बोलो क्या है? हो सकता कोई अपनी बुद्धि लगाए। सुनो, आज मेरा विषय कुछ और था, बोलो क्या था? क्योंकि परमेश्वर ने मुझे कल जब मैं प्रार्थना कर रहा तो ये विषय दिया, जब मैं सुबह बैठा था तो कुछ और था, आज ये विषय नहीं था मेरा। पहले मैं कुछ और आपको बताने वाला था, पर फिर से जो परमेश्वर ने कहा नहीं यही विषय आज थे, यही बात बता, यही मेरे लोगों को समझा, यही बात मेरे लोगों को समझा। कितनों को समझ आ रही? क्योंकि जब हम बुद्धि से कुछ भी करेंगे तो अपना नुकसान कराएंगे। अगर खुदावंत की ओर से होगा, हम जंगल में भी चले जाएंगे तो परमेश्वर वहां पे भी हमें बड़ा आशीष करेगा, वहां पे भी आशीष करेगा। अगर हम जंगल में भी चलेंगे परमेश्वर वहां पे भी हमें बहुत ब्लेस्ड कर देगा, आमीन। करेगा कि नहीं है? अब देखो, अब परमेश्वर के कहने के अनुसार इसहाक गरार में गया, लिखा जब उसने जोता बाया उसी वर्ष में उसने इतनी आशीष पाई। उस देश के जो राजा था अबीमेलेक, वो बोलो क्या है, वो उसे झगड़ने लगा, वो इतने ब्लेस्ड हो गए, वो कहते तू भाई हमारे देश से चला जा, क्या हो जा, क्योंकि तू इतना सामर्थी हो गया, इतना ब्लेस्ड हो गया, ऐसा ना हो तू हमारे देश का उत्तराधिकारी हो जाए, तुम यहां से चला जा। समझ आ रही है? तो इसलिए इस बात को अपने ध्यान में रखना, क्योंकि हम अगर प्रभु की योजना में चलेंगे तो हम बढ़ेंगे। बोलो क्या बढ़ेंगे? क्योंकि जो परमेश्वर की योजना है वो बड़ी हमारे लिए, छोटी नहीं। मैं क्या कहता हूं, जो परमेश्वर की योजना है हमारे जीवन के लिए वो बड़ी है, पर जो आत्मा में रहेगा वो आत्मा की रीति चलेगा, जो शरीर में वो नहीं समझेंगे, वो तो सोचेंगे कि ये तो दूर चले गए, हाँ अच्छा था यहाँ पे आते तो चले आते थे, अब कहाँ इतनी दूर चले, वहां पे तो ऑटो भी नहीं जाता, हम कैसे जाएं। हो सकता परमेश्वर तुम्हें वहां पे आशीष करने वाला था, वहां पे तुझे इतनी बरकत देने वाला था, पर अपनी बुद्धि लगाई नियमी की तरह, जिसने अपना सारा कुछ गवा लिया।